नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कानून पर घमासान, भारत बंद का ऐलान। जी हाँ, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन शनिवार को 10वें दिन भी जारी है और आज दोपहर 2 बजे सरकार और किसान संगठनों के बीच में 5वें दौर की बातचीत होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर अहम बैठक हो रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। किसानों के साथ पिछली मीटिंग से पहले भी मोदी के मंत्री चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री की मौजूदगी में स्ट्रैटेजी बन रही है। और इस बैठक में शामिल होने से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोच रखते हुए आंदोलन खत्म कर देंगे। इससे पहले शुक्रवार को किसानों ने कहा कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो वह 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। किसानों ने सभी टोल प्लाजा पर कब्जे की भी चेतावनी दे रखी है। शुक्रवार को किसानों की मीटिंग के बाद उनके नेता हरविंदर सिंह लखवाल ने कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की बची हुई सड़कों को भी ब्लॉक करेंगे। किसान संगठन आज मोदी के पुतले भी जलाएंगे। किसानों और केंद्र के बीच में गुरुवार को चौथे दौर की बातचीत 7 घंटे चली थी और इसके बाद साफ हो गया था कि आंदोलन अभी थमेगा तो नहीं। वहीं क्रांतिकारी किसान यूनियन के लीडर दर्शन पाल ने कहा है कि केंद्र कानून में कुछ सुधार पर राजी हुए हैं, पर हम नहीं हुए हैं। हमने उन्हें बता दिया है कि पूरे कानून में ही खामी है, लिहाजा इन्हें वापस लिया जाए। तो तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है और कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाली है। इनसे होर्डर्स और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। एक विधेयक के जारी किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा। किसान संगठन कृषि कानूनों के अलावा बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए बिजली संशोधित बिल 2020 का विरोध किया जा रहा है। और वही प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। इस बिल से किसानों को सब्सिडी पर या फिर फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी। चौथी मांग ये है कि एक प्रावधान को लेकर है जिसके तहत खेती का अवशेष जलाने पर किसान को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये है किसानों की मांग, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। ये प्रमुख 5 मांगे हैं जिनको वापस लिए जाने की मांग किसान कर रहे हैं। तो किसानों के आंदोलन को बाकी राज्यों का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के किसानों का भी सपोर्ट मिल रहा है और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। डबरा और मंदसौर के किसानों ने आंदोलन का सपोर्ट करने की बात कही है। डबरा भीतरवार से करीब 2000 किसान दिल्ली के लिए बुधवार रात को रवाना हुए हैं। रवाना होने से पहले किसान शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर चिनौर के घर सौंदी गुरुवारा में एकत्रित हुए और यहां से एक साथ दिल्ली के लिए कूच किया है। और इस बार रास्ते में कहीं रोका जाता है तो उसके लिए किसान काफी मात्रा में राशन भी लेकर गए हैं, जिससे उनका आंदोलन कमजोर नहीं पड़ेगा। वहीं ग्वालियर में भी कई किसान संगठनों ने केंद्र के कृषि कानून का विरोध किया जिसकी अगुवाई खुद मेधा पाटकर ने की थी। और अब बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रही है, जहां किसान संगठन आज केंद्र सरकार का पुतला फूकेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदेश में भी किसानों का आंदोलन होगा। केंद्र के कृषि बिल का विरोध होगा। शाम 4 बजे अंबेडकर चौक में केंद्र सरकार का पुतला दहन होगा। छत्तीसगढ़ से भी कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम किसान संगठन एकत्रित होकर इसमें विरोध प्रदर्शन जाहिर करेंगे।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संस्था वैभव शिपाली हमारे साथ लाइव जुड़ गया। वैभव, आपसे जानना चाहेंगे, पूरे देश भर में किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किस तरीके के हालात इस प्रोटेस्ट को लेकर के देखने को मिल रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ जो विरोध चल रहा है दिल्ली में, उसका समर्थन किया है। छत्तीसगढ़ में भी किसान संगठन इस मुद्दे को लेकर के खासे आक्रोशित हैं। किसान संगठनों की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है और प्रदेश भर में एक व्यापक जन माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज राजधानी रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कि केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जाना है और ये प्रदर्शन अम्बेडकर चौक पर शाम 4 बजे होने वाला है। तो इसकी तैयारी किसान संगठनों ने कल से शुरू कर दी। कल एक बैठक आयोजित की गई थी, उस बैठक में प्रदेश भर के जो अलग अलग किसान संगठन है उनके नेता यहाँ पे पहुंचे हुए थे और सबने एक सामूहिक बैठक करके निर्णय लिया है कि आगामी दिनों में किस तरीके से केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ विरोध को जारी रखना है। इससे पहले भी दूसरा लगातार कई आंदोलन हुए, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम भी किया गया था, चक्कर जाम भी हुआ था। तो केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ में छत्तीसगढ़ में भी किसानों में खासा आक्रोश है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो दिल्ली तक में जाकर भी प्रदर्शन करके आए हैं। अभी हाल ही में जो 27 नवम्बर को प्रदर्शन हुआ था उसमें भी कुछ किसान शामिल थे छत्तीसगढ़ में, और अब जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उस भारत बंद को सफल बनाने की भी तैयारी यहाँ के छत्तीसगढ़ के किसान संगठनों ने शुरू कर दी है। जी, और जैसा कि वैभव देखा गया है कि पूरे देश भर के जो किसान हैं वो एकत्रित होकर अब केंद्र पर दबाव बनाने के लिए, केंद्र तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए लगातार हमने पिछले वक्त में देखा कि 7 अभी तक मीटिंग्स हो चुकी हैं केंद्र के मंत्रियों के साथ में किसान संगठनों की, नतीजा अभी तक लेकिन नहीं निकला है। और अपने आंदोलन को और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए लगभग हर राज्य के जो किसान हैं वो शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का क्या कहना है, अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया क्या चेतावनी वो देते हैं, और आंदोलन को केंद्र स्तर तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से इसे भुनाने की कोशिश होगी छत्तीसगढ़ से? देखिए, आज जो बैठक होने जा रही है, चलिए ज्यादा मैं आपके पास आ रही हूँ। किसान नेता शिव कुमार कक्कर जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। कक्कर जी, किसान आंदोलन को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारी 2 बजे से फिर बैठक है जी। कृषि मंत्री जी का रुख पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और हमारी मांग है कि जब ये एक्ट में ज्यादा गड़बड़ियां हैं, जिस पर चर्चा परसों हो चुकी थी, पहला ये था कि उन्होंने ठीक है, हम समर्थन मूल्य पर आपको आउट करते हैं जी। दूसरा ये कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता, तो कोर्ट जाने के लिए भी उसमें हम प्रावधान करेंगे, उसके लिए भी आश्वस्त करते हैं। तीसरा, बगैर लाइसेंस के व्यापारी होंगे तो उनको हम मंडी के बाहर अंदर उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको भी लाइसेंस के लिए आवश्यक के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब बात आई तो उसमें ये हुआ कि किसान को ये डर है कि उसकी जमीन कंपनियां ले लेंगी ठेका और लीज के नाम पर, तो हम वो भी सुरक्षा के लिए पूरा कानून बनाएंगे और किसान की जमीन पर कोई कंपनी लोन ना ले सके इसकी भी हम प्रावधान करेंगे। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद एक्ट बचता ही नहीं है, एक्ट पूरी तरह खराब हो जाता है। तो सरकार अपनी जिद छोड़े कि जब एक्ट की जो आपने कंडीशन रखी है वो सबकी सब आप चेंज कर दोगे तो फिर एक्ट को लटकाने का क्या मतलब है, फिर उन तीनों अध्यादेश को आप निरस्त कर दीजिए। जब तीनों अध्यादेश की जो मूल चीजें हैं उनको हटा दिया, ये बड़ी मांग किसानों की है कि भाई बस जब है तो MSP पर गारंटी का कानून बनाए आप, जो अभी तक नहीं बना है देश की 73 साल के बाद भी जी। और दूसरा ये है कि आप तीनों अध्यादेश रद्द करें, इस पर सभी संगठनों की राय है। हम 5 लोग हैं जो देश के प्रमुख कोर कमेटी के मेंबर हैं, उसमें 2 पंजाब से हैं, 1 बंगाल से हैं, 1 हरियाणा से हैं और 1 मध्य प्रदेश से। मैं
यानी लगभग सभी प्रदेशों के किसान एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। हाँ, मध्य प्रदेश का भी किसानों ने पलवल रोड पर जाम लगा दिया। लेकिन शिव कुमार जी, अहम मेरा सवाल यही है कि अब तक 7 मीटिंग केंद्र स्तर के नेताओं से हो चुकी है, खुद अमित शाह से भी हो चुकी है, लेकिन क्या वजह है जो ये तमाम मीटिंग बेनतीजा ही रही है? इस पर कुछ निष्कर्ष क्यों नहीं अभी तक निकल पाया? इसका केवल एक रीजन है, सरकार का रवैया अड़ियल रहा है। लेकिन अब चूंकि इतने सारे राज्यों से किसान आंदोलन छेड़े हुए, हमने बात केंद्र तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि अब क्यों आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अड़ियल रवैया केंद्र की तरफ से अपनाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? इस आंदोलन को हवा कैसे देंगे? अपनी बातों को मनवाने के लिए अब आगे आंदोलन में क्या रुख जाने वाला है? 50 वर्ष हो गए हैं आंदोलन करते हुए, रुख हवा का देना हम जानते हैं, आंदोलन की तमाम चीजें भी जानते हैं, सरकार पहल करेगी कि हम लिख के दे देते हैं, हम लिख के नहीं मानते, कई बार लिख के चुके हैं, शिवराज से भी उन्होंने लिख लिया था। अब तो जब तक आपका आदेश जारी नहीं होगा तब तक किसान नहीं उठेगा। अब ये जन आंदोलन के रूप ले चुका है, किसानों के अलावा अन्य संगठन भी हमको समर्थन दे रहे हैं और पूरे भारत के कोने कोने से दिल्ली किसान पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश से 1000 किलोमीटर, हेलो, 1000 किलोमीटर से चल के ट्रालियां पलवल आकर जाम लगा सकती है, एक रोड पूरी मध्य प्रदेश के नाम पर है, तो इसका अंदाजा लगा लीजिए आप। पंजाब ठीक है, 300-400 किलोमीटर से आए हैं और सबसे ज्यादा दूरी से जाने वाले मध्य प्रदेश के किसान। जी शिव कुमार जी, और दूसरा मेरा सबसे अहम सवाल ये भी कि 5 प्रमुख मांगे जो हैं किसानों की, उसमें से कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे जो सबसे पहले? हमारी पांच प्रमुख मांगे नहीं है, हमारी केवल 2 ही मांगे हैं। जी, 3 अध्यादेश खत्म करें और MSP की गारंटी का कानून बनाए, 5 मांग नहीं है हमारी। जी शिव कुमार जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता वैभव शिपाल ने भी लाइव जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी बताइए वैभव, अपने सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल यही है, 8 दिसंबर को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, उस भारत बंद में किस तरह की जो है तैयारियां आप लोगों की है, और उसमें क्या पूरी तरीके से भारत को बंद रखा जाएगा या फिर उसमें कुछ छूट भी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण भी है? शिव कुमार जी, आपने सवाल सुना? सवाल सुन लिया है, भारत बंद का हमारी योजना है जी। उस कम समय के लिए बंद का आह्वान किया है, गाँव में किसान रहता है, हमेशा जब भी किसान भारत बंद के आह्वान करता है तो कितना सहयोग जनता देती है उस पर निर्भर करता है। गाँव बंद तो हो सकता है, शहर बंद का समर्थन का मतलब केवल ये होता है कि शहर के लोग हमारे साथ में है, हमने केवल आह्वान किया है जी। वैभव, और कोई सवाल? एक दूसरा सवाल ये भी है। जी, मेरा सवाल ये भी है कि आप लोगों ने किसी भी राजनीतिक दल से कोई समर्थन नहीं लेने की बात की, लेकिन तमाम जो विपक्षी दल है वो आपका समर्थन कर रहे हैं, वो आपके धरना प्रदर्शन रैली में आना चाहते हैं, तो क्या उनको अनुमति है? आज इसकी बैठक में हम ये तय करेंगे कि इनको अनुमति दी जाए या ना दी जाए, ठीक है जी। वैभव और शिव कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। रमेश शर्मा जी, जैसे कि किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है और ये काफी विकराल रूप लेता जा रहा है, क्योंकि किसानों को अपनी मांगों को मनवाना है, ऐसे में क्या कहेंगे आप, किस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है रमेश जी? जी रमेश जी, जिस दिशा में केवल और केवल मोदी विरोध होता है, जिस तरीके से वहाँ जो नारे लग रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वहाँ खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, इसके समर्थन में अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से ये तय था कि आज बातचीत होगी,
और उसके बाद अगर ये घोषणा उन्होंने कर दी है कि वो पुतला दहन करेंगे और 8 तारीख को बंद करेंगे, इसका मतलब आंदोलनकारियों की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं समस्या के समाधान की तरफ कम है और अपनी मोदी विरोध की तरफ उनका ज्यादा है। और मोटे तौर पर शुरुआत में जो दो मांगे उनकी सामने आई थी, एक तो ये मांग आई थी कि मिनिमम जो समर्थन मूल्य है वो समाप्त ना हो, और दूसरा जो एसडीएम के फैसले को लेकर के कोर्ट में भी चुनौती दी जा सके। इस पर परसों की बातचीत में सरकार ने सैद्धांतिक सहमति अपनी दे दी थी। तो कुल मिलाकर के जब उस पर सहमति दे दी थी और फिर एक कमेटी बना करके विचार करने का भी सरकार ने प्रस्ताव रखा था, उसके बावजूद भी इस बात को ना मानना और केवल अपनी बात पर अड़े रहना, मैं समझता हूँ ये आंदोलन किसानों के हित में काम, वो किसानों के नाम पर जो दलाली करते हैं और किसानों के नाम पर मंडियों में जो किसानों का शोषण होता है, उन लोगों का आंदोलन ये ज्यादा है, मुझे तो ऐसा लगता है। शिव कुमार जी क्या कहेंगे, रमेश जी की बात का आप क्या जवाब देंगे? ये भाजपा पोषित समाचार है जी, और खालिस्तान के दायरे कहीं नहीं चले हैं, और कहीं कोई एक व्यक्ति इस प्रकार के आंदोलन को बदनाम करने लोगों का हाथ होता है, अगर कहीं कोई व्यक्ति किसी प्रकार की हरकत करता है तो पूरे कौम और समाज को दोषी नहीं माना जा सकता। इसको गलत दिशा में जोड़ने का भाजपा लगातार प्रयास कर रही है और भाजपा कोशित लोग भी इस काम में लगे हुए हैं जिनको पता नहीं है कि आंदोलन क्या है कैसे है और अपनी राय देते रहते हैं। सरकार ने कहा है कि हम एमएसपी का आश्वास करते हैं, परंतु कोई उस पर थोड़ा विचार नहीं है सरकार का। हमारा कहना यह है भाई, जब हमको ये पूरे देश के किसान ये कह रहे हैं कि ये हमको चीज पसंद नहीं है या ये हमको नुकसान पहुंचा रही है, हमको ये नहीं चाहिए, तो आप जबरियां देने वाले होते कौन है? हमको लोग सुन रहे, क्या ये कानून आपको मानना पड़ेगा? हमको आप हटाने दीजिए, हमको आप हथेली में छोड़ दीजिए, आप अपना काम करिए। तो ये सरकार आंदोलन को बदनाम करने वाले लोग हैं, कहीं खालिस्तान का कोई नाम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि पंजाब से आवाज तेज आई तो पंजाब जैसे प्रांत को संकट में डालने का ही काम कर रहे हैं। रमेश जी मेरा सवाल आपसे कि बतौर वरिष्ठ पत्रकार और बतौर एनालिसिस ये सवाल मैं आपसे इसलिए दोहरा रही हूँ कि क्या वजह है कि इतनी सारी मीटिंग्स हो जाने के बाद भी अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला, बेनतीजा क्यों रही सारी मीटिंग? देखिए, निष्कर्ष इसलिए नहीं निकला, जो लोग वहां पर बातचीत करने के लिए आ रहे हैं वो निष्कर्ष नहीं निकालना चाहते। मुझे एक बात बताइए, कल रात को लगातार 3 दिनों से कोई भी ऐसा नेशनल चैनल नहीं है जहां वो खालिस्तान के झंडे ना दिखा दे रहे हो, जहां मोदी के विरोध में नारे ना लग रहे हो। एक बात मुझे बताइए, जब आज बातचीत होना है तो उसके एक दिन पहले भारत बंद की घोषणा करने का मतलब क्या होता है? दूसरी सबसे बड़ी, इससे बड़ी बात है, पंजाब सरकार ने साफ इस बात को कहा था कि हमारे यहाँ ये कानून लागू नहीं होगा। जब उनके यहाँ कानून लागू नहीं होगा और उसके बाद फिर वहां पर किसानों के नाम पर इतना बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता क्या है? तीसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो समय चल रहा है, इस समय वो है जब किसान को 1 मिनट की फसल नहीं मिलती। इस समय सब्जी की फसल आई हुई है और जो 2 फसल लगाते हैं उनको इस समय इस वक्त कीटनाशक डालना है और उनका पानी चल रहा है, और जो 1 फसल किसान बोता है उसकी अब बोनी चल रही है, उन किसान को तो 1 मिनट की यानी कहीं ना कहीं जो पूरी बातचीत किसानों और केंद्र सरकार के बीच में चल रही है वो निष्कर्ष पर इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि आपस में जो तालमेल है बातचीत का वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। रमेश जी अपनी बात रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और शिव कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। वैभव हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है और किसान विरोध के तौर पर दिल्ली एनसीआर पर 10 दिनों से डेरा जमाए हैं किसान, तो वहीं अब उनके समर्थन में अवार्ड वापसी का दौर भी शुरू हो चुका है। पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण पुरस्कार वापस कर दिया था और इसके बाद एक बार फिर से अवार्ड वापसी का ऐसा दौर चल रहा है कि इसमें खेल और सिने जगत की कई हस्तियां शामिल हैं।
सभी अपनी अपनी अवार्ड वापस कर रही हैं। पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपनी मेहनत से हासिल किए सभी अवार्ड और मेडल केंद्र सरकार को वापस करने की सोच रहे हैं। अवार्ड वापसी को लेकर गोल्डन गर्ल राजवीर, ओलंपियन दविंदर सिंह गर्चा और ओलंपियन गुरमेल सिंह ने कहा है कि वो अपने अवार्ड और मेडल वापस करने के लिए आज दिल्ली जा रहे हैं। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।